बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स जो हैं वो तैयार कर रहे होंगे। ये बेटा बहुत कीमती टाइम है और आप घर में 24 आवर्स अभी घर में हैं, आपके टीचर्स ऑनलाइन आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन लेक्चर्स को सुनें और साथ साथ तैयार करते जाएँ। इंग्लिश के लेक्चर नंबर 12 के हवाले से हाज़िर हुए हैं और आप देख रहे हैं बोर्ड पर। आज हम जो लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे वो पैराग्राफ से रिलेटेड है। इससे पहले आपको याद होगा हमने दो एसेज किए थे और अब ये पैराग्राफ कुछ इजी होते हैं। अगर आप 2 घंटे की स्टडी टाइम बनाते हैं इंग्लिश का तो उसमें आप 1 से 1.5 घंटा अगर ऐसे को दे रहे हैं तो 3-4 रोज़ में आपका ऐसे तैयार हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा ऐसे है वो तैयार करें और फिर ये पैराग्राफ को भी साथ साथ तैयार करें और इसकी प्रैक्टिस करें। हमने लास्ट अपने लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर आपने पैराग्राफ से रिलेटेड पढ़ा था उसमें हमने 9 पैराग्राफ पढ़े थे। आज पैराग्राफ नंबर 10, अगर हम लाइव सेशन में होते क्लास में तो डेफिनेटली ये पैराग्राफ 10 है, इसकी ट्रांसलेशन आपको याद होगा। आपके जो सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर्स पढ़ते थे उनसे हम फिर इस तरह करते थे कि एक सेंटेंस बोला जाता था और उसकी कोशिश की जाती थी कि आप में से कोई उसको बनाए। बच्चे कोशिश करते थे, इस तरह उनकी वोकैबुलरी, उनका स्टाइल इन्हांस होता था, कैपेबिलिटी उनकी इन्हांस होती थी चीज़ों को करने की। तो अब लाइव सेशन है, इसमें डेफिनेटली हम क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ना ही किसी बच्चे से हम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह आप भी लाइव तो नहीं पूछ सकते, व्हाट्सएप के थ्रू ही पूछ सकते हैं। तो कोशिश करनी है आपने इन चीज़ों को लर्न करें, लर्न बाय हार्ट, और ताकि हमारे आने वाले दिनों में जब स्कूल रिज्यूम हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो हम अपने टेस्ट की तरफ जाएँ, क्योंकि हमारी बेहतर तैयारी हमारे टेस्ट के थ्रू होगी। तो पैराग्राफ नंबर 10 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने बोर्ड पर उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जन आए हुए हैं। इसमें आपने देखना है कि सेंटेंस किस तरह किस टेंस का होता है और कैसे हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। बिफोर कमिंग टू सिटी वी लिव्ड इन विलेज, ये इस तरह भी हो सकता है सेंटेंस, वी लिव्ड इन विलेज बिफोर कमिंग टू सिटी। दोनों तरीकों से आप इसको बना सकते हैं। गांव में हम बहुत खुश थे, सिंपल पास वाजवर वाला फिक्र है, वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। हम सुबह सवेरे उठते थे, वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह सवेरे उठते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फेस वी ऑफर प्रेयर्स। फिर सर सब खेतों में सैर के लिए चले जाते, then we went out for a walk in the green fields। दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे, we slept in the shade of the trees in the afternoon। दोपहर afternoon छांव shade sleep की second form slept past present tense। गांव के पास एक नदी बहती थी, a stream ran by the village। बहती थी ran by, run की second form ran by, third फिर run होती है, run rain run। इसका पानी साफ और ठंडा था, इट्स वाटर वाज क्लीन एंड कूल। ये फिर सिंपल वाज वर्ब का सेंटेंस हो गया। तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 10 हो गया, बिल्कुल इंतहाई सिंपल। एक नज़र इसको देखें और इसको जहन में रख लें, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और उसके रूल्स आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब है पैराग्राफ नंबर 11, ये हम करेंगे। ये भी पास्ट टेंस कैरी कर रहा है, पहला टेंस ही हमें नजर आ रहा है, पहले सेंटेंस में पास्ट सिंपल। एक दफा एक कौवा प्यासा था, वंस अ क्रो वाज थर्स्टी। वंस एक दफा, वंस वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। यहां तक पहले बना लें, ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन बट लेकिन उसको पानी ना मिला, ही कुड नॉट फाइंड वाटर। उसको पानी ना मिला, ही कुड नॉट फाइंड वाटर। कैन कुड के साथ, कुड के साथ पास्ट टेंस। बिला फिर वो एक बाग में पहुंचा, एट लास्ट आखिरकार या बिला फिर एक ही बात है, वो एक बाग में पहुंचा। एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन, वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा। वहां देयर ही सा अ पिक्चर ऑफ वाटर, वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा। उसने घड़े में देखा, ही लुक इन टू द पिक्चर। घड़े की इंग्लिश पिक्चर होती है,
पिक्चर नहीं, पिक्चर तस्वीर को कहते हैं, ये पिक्चर है, पिक्चर। पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। द वॉटर वॉज सो लो, इतना नीचे था दैट के हिज बीक चोंच कुड नॉट रीच इट, पानी तक ना पहुंच सकी। कब्बा सयाना था, द क्रो वॉज सयाना यानी वाइस, ठीक है, द क्रो वॉज वाइस, वाइस विजडम से निकला है ना, दाना को कहते, दानाई को कहते हैं विजडम, और वाइज वहीं से दाना। उससे एक तरकीब सूझी, ही हिट अपॉन, सूझना सोचना, ही हिट अपॉन अ प्लान, ही हिट अपॉन अ प्लान, उससे एक तरकीब सूझी। पास्ट टेंस के साथ ये आपका पैराग्राफ नंबर 11 कंप्लीट हो गया, और ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी है, इसको अंडरलाइन भी कर लें और इंपॉर्टेंट भी लिख लें इस पर। आगे आपका जो पैराग्राफ है वो है 12, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है पैराग्राफ। तो जो मुश्किल चीज़ होती है उसको लिख कर कर लेते होते हैं याद, जब पहली दफ़ा आप याद करें तो उसको लिखने की हैबिट डालें, जब एक दफ़ा आप लिख लेंगे तो फिर आगे आपके लिए आसानी हो जाती है उसको कैरी करना, ठीक है। 2500 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है, जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। मोर देन 250 years ago A boy lived in a small town of Germany. Past tense. इसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था, सिंपल पास इज एमआर। हिज नेम वॉज जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल, स्पेलिंग देख लें। इसका वालिद मशहूर डॉक्टर था, सिंपल पास। हिज फादर वाज अ फेमस डॉक्टर। बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, वन डे द ओल्ड डॉक्टर सेड टू हिज सन, क्या कहा, कहा जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे, जॉर्ज यू विल आल्सो मेक अ नेम वन डे। यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में है इसलिए ये वुड में नहीं बदल रहा, जबकि पीछे पास्ट है तो आगे हमें क्या लगाना चाहिए था, वुड, क्योंकि पीछे पास्ट हो तो नरेशन में ये रूल आप करेंगे आगे वुड आता है, लेकिन यहां पर हमने वुड नहीं लगाना क्योंकि ये जॉर्ज के फादर के अल्फाज एज इट इज आप बयान कर रहे हैं, डायरेक्ट बयान कर रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं बना रहे इसको, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर विल ही यूज होगा, माइंड इट, ओके। यू विल ऑल्सो मेक अ नेम वन डे, यू मे, तुम भी एक दिन मशहूर शोहरत पाओगे, शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज, यू मे बी अ ग्रेट डॉक्टर और जज। यहां तक खत्म होगी बात, इनवर्टेड कॉमास क्लोज हो। जॉर्ज ने जवाब दिया, अब से जॉर्ज की बात शुरू है इनवर्टेड कॉमास, ये भी उसी टेंस में चलेंगे जिस टेंस में ये होगा। जॉर्ज रिप्लाइड, जॉर्ज ने जवाब दिया, अब ये देखें पीछे पास्ट है रिप्लाइड जवाब दिया तो आगे आई वॉन्टेड आना चाहिए था लेकिन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये उसी के अल्फाज है, उसी की बात, इसलिए जो टेंस उसने यूज किया प्रेजेंट उसी में। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं ना जज, आई वॉन्ट टू बी नाइदर अ डॉक्टर नॉर जज, मैं अपनी जिंदगी मौसीकी के लिए वक्फ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट, चाहता हूं टू डिवोट, वक्फ करना ऑफ माई लाइफ, जिंदगी को टू म्यूजिक, म्यूजिक के लिए। और वाकई एक दिन वो बड़ा मौसीकार बन गया, एंड वन डे ही रियली बिकेम अ ग्रेट म्यूजिशियन, ही बिकेम अ ग्रेट म्यूजिशियन, वाकई की इंग्लिश रियली करेंगे आप, ही रियली बिकेम अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। जब भी आप टेंस को पढ़ते हुए उसकी टेंस के मुताबिक इंग्लिश बनाएंगे तो सिर्फ एक दफ़ा इंग्लिश आप बनाएंगे जिसमें आपकी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसके बाद जो आप तैयार करेंगे उसको दोबारा लिखेंगे तो वो बिल्कुल आपको ऐसे होगा जैसे आपने खुद इसको क्रिएट किया, खुद ही बनाया। जी, पैराग्राफ 13। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है, सिंपल इज एम आर। कराची इज अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये बेहरा अरब के साहिल पर वाकया है। इट इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ अरेबियन सी। इसकी आबोहवा मोतदिल है। इट्स क्लाइमेट इज टेम्परेट। यहां नसीम बर्री और नसीम बहरी चलती हैं। लैंड ब्रीजेज एंड सी ब्रीजेज ब्लो हेयर। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था।
वंस कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये एक बंदरगाह है, इट इज अ सी पोर्ट, दूसरे मुल्कों से हमारी तजारत इस बंदरगाह के जरिए होती है, आवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज इज डन थ्रू दिस पोर्ट। हमारे महबूब रहनुमा कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए थे, आवर बिलव्ड लीडर कायद अजम वाज बॉर्न इन कराची, इनका मजार भी इसी शहर में है, हिज मेजोलियम इज आल्सो इन दिस सिटी, जो लोग भी कराची जाते हैं उनके मजार पर फातिहा पढ़ते हैं, द पीपल हु विजिट कराची ऑफर फातिहा एट कायद आजम मेजोलियम पर, कायद आजम के मजार पर, अपोस्ट्रोफी एस स्टैंड्स फॉर का की के, ओके। 13 पैराग्राफ आपके कंप्लीट हो गए, अब हम पैराग्राफ नंबर 14 कर रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 14 देखें, जोहरी तवानाई को इंसानी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता है, खुद नहीं होती, किया जाता है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जोहरी तवानाई एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं जौहरी तवानाई को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इज यूज्ड पैसिव वॉइस, और अगर कैन किया जा सकता है तो कैन बी यूज्ड कैन के साथ पैसिव वॉइस, कैन वाले सेंटेंस का, ये दोनों क्लियर करें। उसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जौहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है, एटॉमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस, कैन का यूज इस्तेमाल हो रहा है इसमें ज्यादा। कराची में एक बिजली घर है, देर इज अ पावर हाउस इन कराची, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर सब्जेक्ट ना हो तो दिस दैट दीज देयर हेयर के साथ आप सब्जेक्ट लगाते हैं, तो देर इज अ पावर हाउस इन कराची, कराची में एक बिजली घर है, देर इज अ पावर हाउस इन कराची, आजकल जौहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं, नाउडेज देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी, चीप इलेक्ट्रिसिटी ये डबल हो गया इसको काट दीजिएगा, प्रोड्यूस बाय एटॉमिक एनर्जी। हमें चाहिए कि जौहरी तवानाई को सिर्फ पुरमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें, वी शुड यूज एटॉमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पुरमन मकासद पर्पसेस, मकासद पीसफुल पुरमन, पुरमन मकासद, वी शुड यूज एटॉमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। अब ये वैसे आपकी डायरी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक पैराग्राफ बेटा और कर लेते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से नोट्स हम इनको रीड आउट करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। ये पैराग्राफ नंबर 15 है नेक्स्ट, इतना ही इजी है, घबराए नहीं, लीडर भी कहता है ना घबराना नहीं है, ठीक है, तो हमने घबराना नहीं है। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, अनवर इज माई बेस्ट फ्रेंड, सिंपल इज एम आर, उसके वालद एक उस्ताद हैं, हिज फादर इज अ टीचर, जैसे हम कहें मेरे मेरे वालद एक उस्ताद, माई फादर इज अ टीचर, अली के वालद एक उस्ताद हैं, अली के अलीज फादर इज अ टीचर, ऐसे सिंपल। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं, ही इज वेरी पायस ईमानदार एंड ऑनेस्ट, नेक ऑनेस्ट ईमानदार और पायस नेक आदमी है। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है, अनवर लिव्स नियर आवर हाउस, इसका मकान बहुत अच्छा और खूबसूरत है, हिज हाउस इज वेरी गुड एंड ब्यूटिफुल, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल टूगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, नहीं सॉरी, शाम को मैं उसके घर जाता हूँ, आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, वी स्टडी टूगेदर, वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है, ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो स्टैंड के साथ ऐसा लगा स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। वो साफ सुथरे कपड़े पहनता है, पहनना वेयर्स ही सिंगुलर के साथ ऐसे आईएस आता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, ही वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, ठीक हो गया। तो ये आपके बेटा 9 से लेकर 14 तक पैराग्राफ हो गए हैं, और ये पैराग्राफ जो है ये आपकी, मैं डायरी लिख रहा हूं, ये आपकी डायरी है, ये पैराग्राफ 9 to 15 आज आपने सिर्फ लर्न करने हैं, आज आपको रिटन डायरी नहीं हम देंगे, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।